हाय दोस्तों, सभी का नमस्कार। माताओं, बहनों, भाइयों, सभी का नमस्कार। मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और पहले भी बता चुका हूं, उसमें मेरा वीडियो थोड़ा हैंग कर दिया था। किसी भी प्रकार से फिगर पे, स्क्रीन पे नहीं दिखाई दिया। वीडियो दोबारा बना रहा हूं। माताओं, बहनों, भाइयों, वीडियो में गलती हुआ क्षमा क्षमा कर देना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना। मैं पुनः री वीडियो बना रहा हूं। माताओं, बहनों, भाइयों, तो क्या करें क्या ना करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। माताओं, बहनों, भाइयों, मैं प्रभा टेलीकॉम से ऐसे ही टेक्निकल वीडियो लाता रहूँगा आप सबके बीच में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माताओं, बहनों, भाइयों, जो भी व्यक्ति के पास मैसेज आता है उसे आप डायरेक्ट खोल के क्लिक करके देख लीजिए मैसेज, और लिंक पे जाके जो एयरटेल मित्रा यूज करते हैं उनके लिए कंपनी मैसेज देता रहता है। मैं पहले अपना प्रीवियस वीडियो दिखा रहा हूँ क्या कमी है, और उसी के बाद उसी टच से मैं बना दूंगा डायरेक्शन में। तो पहले भैया हम अपने यूट्यूब चैनल को ओपन किए। यहाँ पे है माई, यहाँ पे मेरा लॉगिन है, यहाँ पे लिबर्टी भी जाना है। उसके बाद योर वीडियो, सारे लोग कमेंट किए भैया आपका वीडियो सही से नहीं चल दिखाई दे रहा है। मैं भी नहीं देखा था, मैं कल रात को देखा तो मैं डिलीट कर दिया जो भी कमेंट किए थे भैया लोग। एक दिन हुआ वीडियो बनाए मुझे। तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या करें क्या ना करें। देखिए ऐसे टच कर देंगे, जैसे ही ओपन हो जाएगा देखिए इधर ना दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई नहीं दिखाई देगा। अब क्या करें क्या ना करें, इसीलिए देख सकते हैं ऐसे कर दीजिए। आप क्या करें यहाँ पे सुरक्षित माताओं, बहनों, भाइयों, और डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, किसी भी प्रकार को आपको दिक्कत नहीं होगा। माताओं, बहनों, भाइयों, देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक यहाँ पे लिखा है, एयरटेल पेमेंट बैंक AEPS मतलब आधार इंडियन पेमेंट सिस्टम, इसमें नीचे फुल फॉर्म भी दिया है क्या करें क्या ना करें। तो आपको सारे सिस्टम है क्या करें आपको, कि जब भी किसी, देखिए सुरक्षित करें कि अपने सही ग्राहक के मोबाइल नंबर दर्ज कीजिए। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, और कृपया KYC दस्तावेज आप आवश्यक जांच कर ले। आधार कार्ड के नाम उनका मिला लीजिए, आधार सही है कि नहीं है, कटे फटे हैं तो नहीं, बिना आधार कार्ड के पैसे ना निकालिए कोई भी व्यक्ति आ रहा है। और सुरक्षित करें कि आप अपना उनका सही, और एक आपको बुकलेट होना चाहिए, बुकलेट मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले जैसे प्रीवियस में, यहाँ पे बुकलेट में लिखना है दिनांक, समय, राशि, बैंक का नाम, ग्राहक का नाम, आधार संख्या 4 अंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर, और ग्राहक का हस्ताक्षर करते समय या पैसे देते समय रजिस्टर में। आपके पास प्रिंटर हो तो प्रिंटर से रसीद निकाल लीजिए, एक रसीद अपने पास रख लीजिए, और एक ग्राहक को दे दीजिए। प्रिंटर और बुकलेट मेन आपको है क्या करें, ये पॉइंट दोनों बहुत अच्छे हैं। बुकलेट और प्रिंटर मशीन रहेगा तो आपको कोई टच नहीं कर पाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन भी, पुलिस भी भैया लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको बुकलेट और ब्लूटूथ या कोई भी प्रिंटर हो चलेगा, प्रत्येक डायरेक्शन पे APS रजिस्टर बनाना रखना चाहिए। जैसे आप बैलेंस चेक कर रहे हैं तब भी लिखिए, मिनी स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं तब भी लिखिए भैया, जो भी आप कर रहे हैं, फेल हो रहा है तो फेल लिख दीजिए, होल्ड है लिखा है तो होल्ड लिख दीजिए। प्रत्येक ट्रांजेक्शन के बाद ग्राहक के ट्रांजेक्शन रसीद सौंपे, देखिए यहाँ पे लिखा है ना भैया, रसीद आप देते रहिए, इसीलिए हम कहें प्रिंटर लेना अनिवार्य है। प्रिंटर, मोबाइल नंबर और आधार, ये सब पूरे डिटेल लिखना है भैया। डायरेक्शन के संदेह तुरंत रिपोर्ट कर दें, ठीक है। बायोमेट्रिक मशीन लगाने से पहले ग्राहक की उंगली साफ कर ले, सैनिटाइजर से आप यूज कर सकते हैं। माताओं, बहनों, भाइयों, सैनिटाइजर लगा के दोबारा करिए, बहुत अच्छा वर्क करता है, किसी भी प्रकार का दिक्कत। डायरेक्शन शुरू करने से पहले ग्राहक के उंगली अंगूठे को अच्छी तरह से जांच कर ले, ठीक है भैया। आपको अब देखिए क्या ना करें,
अब देखिए क्या ना करे, क्या ना करे मतलब है, आप देखिए ग्राहक के मोबाइल नंबर के स्थान पर कोई अन्य मोबाइल नंबर या रिटेलर मोबाइल नंबर न लिखें, दर्ज करें भैया, इससे दिक्कत हो रहा है। ग्राहक के आधार नंबर की दुकान में सुरक्षित न रखें, मतलब आधार नंबर उनका लेके पूरा न लिखें भैया, चार ही अंक लिखिए, न फोटो कॉपी लीजिए। ग्राहक के आधार कार्ड की हार्ड कॉपी न लें, हार्ड कॉपी मतलब समझ रहे हैं, रंगीन कॉपी या फोटो कॉपी आप न रखें दुकान पे अपने। एपीएस रजिस्टर का एपीएस रजिस्टर का हस्ताक्षर अंगूठा का निशान बिना ग्राहक को नगद न सौंपे, मतलब समझ रहे हैं ना, पैसे आप दे दिए, अंगूठे नहीं लगाए, दस्तखत नहीं कराए तो आपको क्लेम कर देगा, भैया हम पैसे नहीं निकाले हैं, इसलिए आपको बचना है। डायरेक्शन के समय ग्राहक द्वारा दिए गए नाम, फोटो, पता आदि कोई विवरण न मिले होने पर डायरेक्शन न करें। माताओं बहनों भाइयों, मैं इस पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो में कुछ कमी हो गया था, पता नहीं क्यों हैंग कर दिया था, इसलिए नहीं चला। आप मेरे डायरेक्शन लिंक पे जाइए और क्लिक करके देख लीजिए। माताओं बहनों भाइयों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं ऐसे ही प्रभा टेलीकॉम से टेक्निकल वीडियो लाता रहूँगा आप सबके बीच में। जय हिंद, जय भारत।